अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेहास किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जो कैल्शियम और विटामिन से भरपूर है और जिसे पीने से आपके हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। यहाँ पर हमने लिया है 1.5 कप रोस्टेड यानी भुना हुआ चना। भुना हुआ चना हाई प्रोटीन होता है, ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इसे हम ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाकर अलग रख लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए फ्लैक्स सीड्स, 1/4 कप फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी। इन सारी चीजों को हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रखना है। हम रोस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम हो जाए, खत्म हो जाए और हम काफी लंबे टाइम तक इसे स्टोर करके रख सकते। फ्लैक्स सीड्स प्रोटीन रिच है, इसमें फाइबर भी होता है और कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है। 1/4 कप हमने यहाँ पर सेसमी सीड यानी सफेद तिल लिया है। सफेद तिल में भी फाइबर होता है, ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारा कैल्शियम भी होता है और डाइजेशन के लिए भी ये अच्छा है। इसे भी पाउडर बनाकर हमें अलग रख लेना है। हमने लिया है 1.5 कप मखाना। मखाना यानी कि फॉक्स नट, ये बॉडी की सूजन कम करने में हेल्प करता है। इसमें बहुत सारा कैल्शियम है जो कि बोन्स और टीथ, हड्डियों और दांत के लिए दोनों के लिए अच्छा है। इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और इसे पाउडर बनाकर रख लेंगे। 1 कप हमने बादाम लिया है। बादाम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में हेल्प करता है और ये बहुत ही अच्छा हार्ट हेल्थी ऑप्शन है। इसे भी हम रोस्ट करके इसका पाउडर बनाकर हमें अलग रख लेना है। बादाम हम सबको पता है बहुत ही सुपर हेल्दी फूड है, इसलिए हम इसे जरूर ऐड करेंगे। इसके अलावा हमने लिया है 1/4 कप सिंघारा पाउडर यानी कि वाटर चेस्टनट पाउडर। सिंघारा जो है वो एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड प्रेशर लो करने में ये हेल्प करता है, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसे हम स्लो से मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से भून लेंगे, कंटिन्यूसली इसे चलाते रहेंगे। अगर आपके पास इसका पाउडर नहीं है तो आप अखे वाटर चेस्टनट ले सकते हैं और उसको घर में पीस सकते हैं। अब इन सारे पाउडर को हम एक जगह निकाल कर रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल, आलसी, मखाना, सिंघारा, बादाम और चने का पाउडर जो है वो एक साथ मिलाकर रख दिया है। एक वेसल या एक कंटेनर में हमें इन सारे पाउडर को निकाल कर रख लेना है। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रान का पाउडर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इलायची पाउडर हमने इसलिए डाला है ताकि हमारे जो मिल्क है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो, खुशबू भी अच्छी आए और साथ ही इलायची के जो बेनिफिट्स है वो भी बहुत है। ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। साथ ही ज़ाफ़रान के तो सारे बेनिफिट्स हम सबको पता है, ये बहुत ही हेल्दी है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन कम करने में भी हेल्प करता है। अब इसे बनाना कैसे है वो हम देखते हैं। हमने यहाँ पर 1 ग्लास दूध लिया है, साथ ही हमने 2 नॉर्मल खजूर लिया है, आप चाहे तो ड्राई खजूर भी ले सकते हैं जिसे हम छुआरा कहते हैं, और इसे हमें बॉईल कर लेना है और 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। दूध को हमने यहाँ पर अच्छे से पका लिया है, इसे हम ग्लास में निकाल लेंगे। अगर आप खजूर नहीं डालना चाहे तो आप मिश्री डाल सकते हैं या तो फिर हनी भी डाल सकते हैं। ये पके हुए खजूर को भी हमने दूध में डाल दिया है, साथ ही हम 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर पाउडर डाल दिया है मिल्क में और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और बस इसे हमें रोज पीना है ताकि हमारी बोन हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाए। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी होम रेमेडी है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें आपको कैसी लगी। मेरी होम रेमेडी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।